अबे बैठ के बता, मुंडी उसमें छुपा दिया था। अरे हनी, जो कोई सा भी ब्रांड का महंगा या सस्ता, लेकिन प्योर शुद्ध होना चाहिए और शुगर। खाने की बर्तन थी। अरे अभी शक्कर में डालने वाला। जैन पिज़्ज़ा। सो गुड मॉर्निंग गाइस ऑल ऑफ यू। क्योंकि लाइट इसलिए जला है क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया था, यानी रोशनी टाइप था, लेकिन वीडियो क्वालिटी ऐसा कि अंधेरा पूरा हो जाता है, प्रॉपरली नहीं दिखाता, इसलिए लाइट चालू किया। सो यो हे गाइस, जॉब ऑफ द सेट, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है, जो हुआ तो हुआ, जो आया तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा बारिश के मौसम से लगातार। तो आज जितना भी हुआ तो बाहर निकला तो मैं बता दूंगा। सो अगर आगे कुछ हुआ तो मैं आपको वीडियो से बता दूंगा, सो बने रहिए। तो गाइस मैं हो चुका हूँ फ्रेश, शाम के 6:30 बजे। एंड आज कहीं भी आज भी नहीं गए, तो क्योंकि मैं गया था एडमिशन कराने अपना, तो एडमिशन नहीं कराने गया था, एक्चुअली कुछ था कंप्यूटर का, तो उस काम से मैं गया था। तो अभी तो फ़िलहाल जब से मैं घर पे हूँ, तो आज का जो है हमारा काम आज का, तो वो देखिए। सो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, आई एम बैक। जब से बैक था यानी वापिस अब कंटेन में बैक आया हूँ। तो आज का जो हमारा, अबे बैठ के बता, मुंडी उसमें छुपा दिया था। अरे ये टैट है और ये दोनों मिला के भी। चुप, मैं बोलूँगा। तो आज का जो हमारा है, हनी एंड शुगर फेस स्क्रब होम मेड, यानी घर बैठ घर का काम, फेस मास्क जो भी है। तो इसमें हम, यानी पहली बार मैं बता दूँ अच्छे से, तो आज का जो हमारा है यानी घर का हमारा है हनी फेस मास्क जी। हाँ, तो इसमें लगेगा हनी, जो कोई सा भी ब्रांड का महंगा या सस्ता, लेकिन प्योर शुद्ध होना चाहिए, और शुगर तो एक ही आता है। तो मैं पहली बार इसके बेनिफिट्स आपको बता दूँ। क्या होता है, जो इंसान बाहर घूमता है या कहीं जाता है धूप में, तो बहुत लोग के तो ऐसे काले तो रहते ही है, तो यहाँ पे गंदगी, डार्क स्पॉट और कोने कोने से क्या क्या जमा हो जाता है। तो बहुत लोग यानी मेडिकल से ख़रीद के वो यूज़ करते स्क्रब, और बहुत लोग चाहते हैं कि हम नेचुरल यूज़ करें। जो नेचुरल भी यूज़ करें उनके लिए, लेकिन बहुत लोग समझे नेचुरल है तो अच्छी बात है, कोई ऐसा हानिकारक नहीं बल्कि बेनिफिट चीज़ है। तो मैं बता दूँ, शक्कर में जो इसका काम है गाइस, वो है कि स्क्रब से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। तो बाय द वे अभी कोई आया था, मैं नहाना ही आए थे, तो अगर आए तो वीडियो में मैं दिखा दूँगा। तो मैं बता रहा था कि स्क्रब का शक्कर पूरा अच्छे से डीप क्लीन करके काम करता है, और शहद के जैसे कि आप बहुत जानते हैं बहुत फ़ायदा, वो तो आप नेट में भी सर्च करके पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसको इंटीरियर आउटसाइड दोनों तरफ से फ़ायदा है। आपकी स्किन को ग्लो करता है और शाइन लाता है। बाहर से भी जब आप यानी स्क्रब का हट जाता है, वो ऑयलनेस और थोड़ा फेस में शहद शाइन लाता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया शक्कर, जितना भी को नीड है उतना यूज़ करो, बाकी आपके ऊपर है कि आप अकेले लगा रहे हो क्या फैमिली वाले। पहले हम ऐसे चम्मच से कूच देंगे, अगर आपके पास वो है हथौड़ा, क्या होता है वो ऐसे वाला, अगर आपके पास वो है आप उससे कूचो। हम मेरे पास तो है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो मैं इससे ऐसे दबा के उतरूँगा, यानी ऐसा कुछ पाउडर बन जाए। अब हो गया तो अच्छा तो नहीं हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, लेकिन ज़्यादा यूज भी मैं नहीं कर रहा हूँ ना। अबे मेरा तो बर्बाद कर दिया तू। मेरी मर्जी, मेरा चीज, चुप। आज बर्बाद कर लेगा। ये मैंने लिया हूँ शहद। अरे अभी शक्कर में डालने वाला था, इतना बड़ा बुद्धू मैं। जैन पिज़्ज़ा गंदा नहीं है, इसका मन पसंद है शायद। अब हम मिक्स करेंगे।
तो मैंने मिक्स कर दिया। अब गाइस इसको आपको है ना 10 से 15 मिनट रखना है। ये कोई फेस मास्क नहीं है, बस एक स्क्रब है। या तो आप 5 मिनट तक घिसते रहो, 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया 2 मिनट तक, कोई ये ज़रूरी नहीं है रखो, लेकिन मैं रखता हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत यूज़फुल चीज़ है, या तो लास्ट टू लास्ट 2 मिनट, जैसे आपकी मर्जी हो। एक्चुअली मिरन नहीं है ना, इसलिए हल्का सा परेशानी हो रही है, तो मिलता हूँ गाइस। जैसे कि मैं यहाँ स्क्रब करके धो दिया हूँ। कंपलसरी नहीं है कि 5-10 मिनट रखो, आपके ऊपर डिपेंड रखता है। मैं कभी कभार मन करता है तो रख देता हूँ 5-10 मिनट। मैं कम था इस वजह से थोड़ा कम साफ हो रहा हूँ, कम यानी साफ यानी कम था मेरा वो कोने से गंदगी, क्योंकि दिन भर मैं बाहर घुमा नहीं हूँ ना इसलिए, तो उस वजह से मेरा जल्दी हट गया है, तो इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आता। मैं पहले ही बता देता हूँ वरना गाली देना चालू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जिनको अगर वो जानना है कि नेचुरल है तो यही नेचुरल तरीका है शहद और शक्कर का स्क्रब फेस मास्क। क्या बोलता है? नहीं नहीं बोल लाइक और सब्सक्राइब कर। हाँ मेरी न्यू वीडियो आई, जाके देख लेना गाइस। और बस आज के लिए इतना ही, समाप्त। और हाँ गाइस, रिजल्ट मिलता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे मिलता है। वो आपके लगाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं देखो, अगर आपको ये सब ब्लैक हिल्स और नाक के कोने में गंदगी जमती है तो लगाओ, उसके बाद भी जमती लगाओ, ऐसा नहीं कि मत लगाओ और रिजल्ट आपको अचानक मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, समझे? तो बाय द वे गाइस, जैसे कि आप देखे कि मैंने शकर और हनी का किया, तो वो मैं कह रहा था कि आप इतने घंटे रखो, तो कोई आया था इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 10 मिनट रखो या 5 मिनट। अगर जिसको अर्जेंट है, फेस वॉश की तरह यूज़ भी कर सकते, क्योंकि एक स्क्रब टाइप मैंने बताया हो। एंड अगर जिसको यानी अगर डेली यूज़ करना है तो क्योंकि शहद महंगा आता है, तो इसलिए अगर आपकी बजट है तो करो। और ये सिर्फ ओकेशंस पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग ब्लीच यूज़ करते हैं जो मे बी हार्मफुल ही होता है जो। तो मेरा ये सजेशन है कि आप यही यूज़ करो कि बेस्ट है, वन ऑफ द यानी ओकेशंस है सब के लिए, और ग्लो भी करता है फेस। तो सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऐसे यानी बेल आइकन का अगर आप घंटा दबाओगे, ऐसे न्यू अपडेट्स आते रहेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फिल्म मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग वापस।